नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। न्यू इंडिया के न्यूज शो खबरदार में आपका स्वागत है। सबसे तेज विश्लेषण के पहले आपको दिखा देते हैं आज की खबरों का ट्रेलर। महाराष्ट्र में सत्ता की महाभारत कथा में हर रोज नए मोड़ आ रहे। सरकार बनाने का फॉर्मूला हर रोज 4-5 बार बदल जाता। कौन सी पार्टी किसको समर्थन दे और किसका समर्थन ले ले, इसे लेकर बहुत कंफ्यूजन। वैसे तो ये कंफ्यूजन नेताओं को दूर करना है, लेकिन हम अपनी भूमिका में रहते हुए इसे दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव की डेटशीट आ गई है। हमारा देश लगातार चुनाव के मोड में रहता है, इसलिए आपके पास भी चुनाव से जुड़े सारे अपडेट होने चाहिए। इसके अलावा आज तक ने जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया है। कश्मीर और धारा 370 को लेकर उनकी बातें आपको सुननी चाहिए। इसके बाद हम आपको लद्दाख लेकर चलेंगे, जहां आज केंद्र शासित प्रदेश बनने की खुशी में लेह की सड़कों पर जश्न मनाया गया और आजादी की खुशी का इजहार किया गया। आज तक संवाददाता पूजा शैली ने लद्दाख की इस नई सुबह की एक खुशनुमा ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है। और लद्दाख की शुद्ध हवा के साथ साथ हम दिल्ली की हवा खराब करने वाली पॉलिटिक्स का विश्लेषण करेंगे। दिल्ली में आज प्रदूषण का लेवल इतना बढ़ गया कि हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दी गई। इसके बीच पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने को लेकर जो पॉलिटिक्स हुई, उसमें जहर की मात्रा दिल्ली में फैले प्रदूषण की मात्रा को कड़ी टक्कर दे रही है। लेकिन आज खबरदार में पहला विश्लेषण है महाराष्ट्र की महाभारत कथा का। चुनाव नतीजों के बाद आज नवा दिन है, लेकिन बीजेपी और शिवसेना के बीच सरकार के गठन का फॉर्मूला अब तक नहीं बन पाया। महाराष्ट्र एक ऐसा प्रेशर कुकर बन गया है जिसमें हर पार्टी पर पूरा दबाव है, लेकिन कोई नतीजा पक नहीं पा रहा। राजनीतिक गतिविधियों पर नजर रख रही कांग्रेस ने आज दिल्ली में एक बड़ी बैठक की। महाराष्ट्र से आए कांग्रेस के नेताओं ने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ एक लंबी मुलाकात की। यह मुलाकात इस मायने में अहम है कि कांग्रेस का एक धड़ा सरकार बनाने के लिए शिवसेना को समर्थन देने के लिए तैयार है, और दूसरा इस विकल्प को कांग्रेस की विचारधारा के लिए जोखिम भरा बताकर कड़ा विरोध कर रहा। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं ने सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद पार्टी का रुख तो साफ नहीं किया, लेकिन वो ये जरूर समझा गए कि महाराष्ट्र की मास्टर की खो गई है और कोई नहीं जानता कि वो चाबी किसके हाथ लगी। कल क्या होगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं। महाराष्ट्र में शिवसेना को समर्थन देने पर विचार करने का संकेत सबसे पहले पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने दिया था। कल महाराष्ट्र कांग्रेस के एमएलए ऋतुराज पाटिल ने मुंबई में मातोश्री जाकर शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे से मुलाकात भी कर ली थी। हालांकि दो दिन पहले जब कांग्रेस ने अपने विधायक दल की बैठक की थी, तो वहां मौजूद रहे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ कहा था कि हम विपक्ष में बैठेंगे और शिवसेना को तो समर्थन नहीं ही देंगे। इसी दुविधा के बीच महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता दिल्ली में आज सोनिया गांधी से मिलने आए, जिसके बाद पार्टी ने फिलहाल कोई जल्दबाजी न दिखाने में ही अपनी भलाई समझी। इस बीच कांग्रेस पार्टी के नेता संजय निरुपम ने साफ कहा है कि अगर कांग्रेस ने शिवसेना को समर्थन दिया तो ये उसके लिए आत्मघाती कदम होगा। अभी असेंबली का इलेक्शन हुआ है, रिजल्ट हुआ, बीच में दीपावली थी, तो हमने आज कांग्रेस प्रेसिडेंट को हम मिले और सब इलेक्शन के बारे में जो जो हुआ है रिजल्ट तक वो उसकी सब हमने मालूमात दे दी, और थोड़े से कुछ डिस्कशन भी हुआ, कैसा हुआ ये, कैसा हुआ इस कॉन्स्टिट्यूशन में, क्या हुआ उसका, ये सब डिस्कशन हमारे आज हुए है, और थोड़े पॉलिटिकल भी डिस्कशन तो हुए। वो जो सब सिचुएशन है हमारी आज की हमने बता दी है। कांग्रेस की अभी तक कोई ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं, कांग्रेस की जो आज की महाराष्ट्र की सिचुएशन है पॉलिटिकल, वही हमने मैडम को बता दी है। कांग्रेस पार्टी को इनके झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस और शिवसेना एक दो अलग विचारधारा की पार्टी। हम कैसे शिवसेना के साथ सरकार बना सकते हैं, हम कैसे शिवसेना की सरकार को समर्थन दे सकते हैं, ये एक बड़ा प्रश्न है। शिवसेना की विचारधारा और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा दो अलग अलग विचारधाराएं हैं, दोनों विचारधाराएं एक साथ नहीं जाएगी, और अगर एक साथ ले जाने की कोशिश की जाएगी तो याद रखिएगा कांग्रेस पार्टी ऑलरेडी पहले से बहुत बुरे दौर से गुजर रही है। शिवसेना के साथ हाथ मिलाना कांग्रेस के लिए आत्मघाती होगा, एक बहुत बड़ा आत्मघाती निर्णय होगा, जिसका नुकसान आने वाले कई वर्षों तक कांग्रेस को झेलना पड़ेगा, क्योंकि हमारे से जुड़े जो लोग हैं वो वैसे ही अब माइनॉरिटी में होते जा रहे हैं, कम हो गए हैं। अब वो जो कम लोग हैं वो कांग्रेस की विचारधारा की वजह से हमसे जुड़े हैं आज भी, और जैसे ही आप शिवसेना से हाथ मिलाते हैं आपकी विचारधारा में एक डायल्यूशन आता, आपका विचारधारा कमजोर होता, आपकी विचारधारा कमजोर होती है, और वैसे में लोग आपसे और टूटेंगे, हम और कमजोर हो जाएंगे। शिवसेना को समर्थन के मुद्दे पर सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, एनसीपी भी काफी सोच विचार कर रही है। एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने आज कहा
कि जनता ने हमें विपक्ष के लिए चुना है, इसलिए हम विपक्ष में बैठेंगे। उन्होंने साफ कहा कि शिवसेना के नेता संजय राउत से उनकी मुलाकात में सरकार बनाने को लेकर कोई बात नहीं हुई। हालांकि पवार की सफाई के बावजूद अपनी शर्तों को लेकर शिवसेना के तेवर पहले से ज्यादा सख्त हैं। एनसीपी के नेता नवाब मलिक ने अभी आज कहा था कि एनसीपी के लिए शिवसेना कोई अछूत नहीं है। इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम में सत्ता सुख के लिए बीजेपी का इंतजार लंबा होता जा रहा है। 24 अक्टूबर को जब नतीजे आए थे तो खुद देवेंद्र फडणवीस ने ऐलान किया था कि वो पहले गैर कांग्रेसी होंगे जो 5 साल की सरकार के बाद महाराष्ट्र के दोबारा मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन हाय री हसरत, इंतजार में उम्मीदें भी बूढ़ी हो रही हैं। 2.5 साल शिवसेना के मुख्यमंत्री पद की शर्त को लेकर उद्धव ठाकरे हैं कि मानते ही नहीं, आंख दिखाते हैं सोलन। राज्य का मुख्यमंत्री शिवसेना का होगा तो मैं मानता हूं, आप लिख कर लीजिए मुख्यमंत्री शिवसेना का होगा। मैं किससे मिलता हूं या हमारे और नेता किससे मिलते हैं, आप उसमें मत जाइए। अगर हम चाहे तो 2/3 मेजॉरिटी से हमारी सरकार और हमारा मुख्यमंत्री बन सकता है। इसीलिए जिनके पास बहुमत नहीं है वो ये डेरिंग ना करें सरकार बनाने का दावा पेश करने का। वैसे महाराष्ट्र बीजेपी ने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में बुकिंग की अर्जी डाल दी है इस उम्मीद में कि शायद तब तक बात बन जाए। इससे पहले 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को भी वानखेड़े स्टेडियम की बुकिंग हुई थी, लेकिन बीजेपी बहुमत के नंबरों से बहुत दूर। फडणवीस ने निर्दलियों की एक बैठक बुलाई थी जिसमें 15 विधायकों के शामिल होने का दावा था, लेकिन बैठक में आए सिर्फ 10 निर्दलीय विधायक। फडणवीस ने 3 विधायकों वाले बहुजन विकास अघाणी के नेता हितेंद्र ठाकुर से संपर्क साधा था, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उधर शिवसेना बीजेपी के आगे झुकने को तैयार नहीं दिखती, तो इसकी वजह एनसीपी के नेता शरद पवार की पावर हो सकती है। गुरुवार को शिवसेना के दूत बनकर संजय राउत शरद पवार से मिले थे। हालांकि कहा तो ये गया कि ये शिष्टाचार मुलाकात है, लेकिन जब सरकार का गठन फंसा हो तो शिष्टाचार भी कितना सियासी हो सकता है, इसे समझने के लिए ज्यादा माथापच्ची की जरूरत नहीं। होगा, राजनीति संभावनाओं का खेल है और किसी भी संभावना को नकारा नहीं जा सकता। देखिए, हमारे नेताओं के सबसे ताल्लुकात हैं। ऐसा नहीं है कि शिवसेना हमारे लिए कोई ऐसा है कि हम उसे हाथ नहीं लगा सकते, लेकिन जिस तरह से शिवसेना को अपमानित किया गया है वो महाराष्ट्र की जनता देख रही है, और महाराष्ट्र की जनता चाहती है कि कोई विकल्प महाराष्ट्र में खड़ा हो। मुझे लगता नहीं कि आइडियोलॉजी से कोई समझौता है। छत्रपति शिवाजी महाराज सभी को साथ में लेके रियाया की सरकार चलाते थे, उसमें हिंदू मुसलमान इस तरह की बातें नहीं थी। अगर छत्रपति शिवाजी महाराज को आइडियल मान के सरकार बनती है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। शिवसेना के तल्ख तेवरों ने बीजेपी को इंतजार करने पर मजबूर किया है, तो उनके धैर्य की भी परीक्षा हो रही है। शुक्रवार को कुछ बीजेपी नेताओं और समर्थकों की ओर से एक कार्टून ट्विटर पर डाला गया जिसमें शेर रिंग मास्टर बने फडणवीस जैसे दिख रहे कार्टून कैरेक्टर के आगे घूम रहा है। इसे उस कार्टून का जवाब माना जा रहा है जिसे शिवसेना नेता संजय राउत ने ट्विटर पर डाला था, जिसमें शेर कमल सूंघ रहा है और गले में खड़ी। अगली सरकार के गठन में हो रही इस देर के बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस राजनीति पर नहीं, भारी बारिश किसानों के नुकसान पर बोलने मीडिया के सामने आए। महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर बिन मौसम बरसात हुई है और उससे किसानों का बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। आज मैंने इसके संदर्भ में एक बैठक भी ली। विशेष रूप से अगर हम देखें तो 325 तालुकों में, तहसीलों में ये नुकसान करीबन 54 लाख हेक्टेयर से ज्यादा ये नुकसान हुआ है। वैसे शिवसेना जब 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री पद की शर्त पर बीजेपी के सामने झुकने को तैयार नहीं दिखती तो एक गुंजाइश भी छोड़ रही है, ये कहकर कि इस गतिरोध में अमित शाह के दखल की जरूरत ही नहीं। ये तो राज्य बीजेपी के नेता हैं जो फैसला नहीं कर पा रहे, वरना उन्होंने तो राज्य के नेताओं पर फैसला छोड़ ही रखा है। हालांकि संजय राउत ट्विटर पर यह भी कहकर शिवसेना के कड़े रुख को बरकरार रख रहे हैं कि साहिब मत पालिए अहंकार को इतना, वक्त के सागर में कई सिकंदर डूब गए। पंकज खेलकर के साथ साहिल जोशी, मुंबई।
आज तक। महाराष्ट्र में सरकार कैसे बनेगी इसकी सूरत नहीं दिख रही, लेकिन भारत हमेशा चुनाव मोड में रहता है और अगले चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। आज चुनाव आयोग ने झारखंड में विधानसभा चुनाव का ऐलान कर दिया। वहां 5 चरणों में चुनाव होंगे और नतीजा 23 दिसंबर को आएगा। पहले चरण में 13 सीटों पर 30 नवंबर को वोटिंग होगी, दूसरे चरण में 20 सीटों पर 7 दिसंबर को वोटिंग होगी, तीसरे चरण में 17 सीटों पर 12 दिसंबर को वोट पड़ेंगे, चौथे चरण का चुनाव 16 दिसंबर को होगा जिसमें 15 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और पांचवें और आखिरी चरण की वोटिंग 20 दिसंबर को रखी गई है। उस दिन बाकी बची 16 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। झारखंड में 81 सीटें हैं, लेकिन नक्सल प्रभावित होने की वजह से वहां चुनाव कराना एक बड़ी चुनौती है। चुनाव आयोग का दावा है कि नक्सल बेल्ट में चुनाव कराने के लिए उसने बड़ी तैयारी की है। अब आपको झारखंड की मौजूदा स्थिति भी दिखा देते हैं। 81 सीटों वाले झारखंड में अभी बीजेपी के पास 43 सीटें हैं, जबकि उसकी सहयोगी एजीएसयूपी के पास 3 सीटें हैं, जेएमएम के पास 19 सीटें हैं और कांग्रेस के पास 8 सीटें, बाबूलाल मरांडी की जेवीपी के पास 2 सीटें हैं, इसके अलावा 6 सीटें अन्यों के पास हैं या फिर खाली। झारखंड की चुनावी डेटशीट के बाद अब बात कश्मीर के माहौल की करते हैं। अगस्त से लेकर अब तक कश्मीर में हुए बदलाव का एक चेहरा रहे हैं वहां के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक। आज तक ने आज उनका खास इंटरव्यू किया है। जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित बनाए जाने के बाद सत्यपाल मलिक गोवा के राज्यपाल बन रहे, लेकिन आज तक से उन्होंने कश्मीर पर खुलकर बात की है। उन्होंने कहा कि कश्मीर एक नए भविष्य की तरफ दिख रहा है और दावा किया है कि राज्य के युवाओं में जो थोड़ी बहुत नाराजगी दिख रही है वो वक्त के साथ दूर हो जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। भारतीय जनता पार्टी जिस कश्मीर के अनुच्छेद 370 को अब तक भारत और कश्मीर के बीच सबसे ऊंची दीवार मानती रही, वो दीवार अब गिर गई है। अगर इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही अमित शाह को जाता है, तो एक तीसरा व्यक्ति जिसकी भूमिका बेहद अहम रही वो इस वक्त हमारे साथ है। स्वागत है हमारे साथ, जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी है। क्या स्ट्रैटेजी है आपके पास? वो नाराजगी क्या सिर्फ फ्रैक्चर्ड और मैन्युफैक्चर्ड और ये है कि ये पार्टी वो पार्टी सब कुछ करती है, या फिर वाकई एक नाराजगी है, उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी है? देखिए, आपको जान के हैरत होगी, जनता की नाराजगी और इन नेताओं के जो मेन स्ट्रीम वाले हैं या हुर्रियत वाले हैं, इनकी नाराजगी में फर्क है। दोनों को अलग अलग सवालों पे नाराजगी है। वहां की जनता जितनी हमसे नाराज है उससे ज्यादा इन नेताओं से नाराज है। वो ये मानते हैं कि उनकी बर्बादी के लिए ये जिम्मेवार है। जो अमरनाथ यात्रा पे टट्टू लेके जाता है लड़का, उसके बदन पे शर्ट के बाद स्वेटर भी नहीं होता है। और इनके नेताओं के चार चार मुल्कों में मकान है, जितना लेविश लिए रहते हैं, जितना करप्शन इन्होंने किया है, जितना रुपया दिल्ली से गया है। अमित शाह साहब ने सही फरमाया एक मीटिंग में कि उसमें तो इनकी छतें भी सोने की हो जाती। तो जनता को नाराजगी उनसे ज्यादा है अपने नेताओं से। इस वक्त जनता में मैंने देखा 370 वाले मामले पे कोई ज्यादा वो नहीं है रिएक्शन। थोड़ा बहुत जो है वो स्टेटहुड पे है। हाँ। उस पे होम मिनिस्टर साहब कह चुके हैं कि सही समय आने पे हम स्टेटहुड भी वापस कर देंगे। तो उस लिहाज से मैं वो कोई नाराजगी, परमानेंट नाराजगी जैसी कोई चीज देखता नहीं हूं। और लोग अब खासतौर से नए लड़के वो फ्यूचर की तरफ देख रहे हैं कि अब हमको डेवलपमेंट करना है, नौकरियां बढ़ेंगी, इन्वेस्टमेंट आएगा, रास्ते खुलेंगे। तो नाराजगी से ज्यादा उम्मीदें हैं जो हमको पूरा करनी है। ठीक है, इसी से जुड़ा दो सवाल आपसे पूछती हूँ। आपका कहना है कि ये नाराजगी अस्थाई है जी। हाँ, ये परमानेंट नहीं है, अस्थाई है, लेकिन कब तक? क्योंकि कोई भी लोकतंत्र बहाली की तरफ बढ़ाया गया कदम इन पाबंदियों के बीच में नहीं हो सकता है जो अभी भी धीरे धीरे आपने हटाए हैं। दूसरी तरफ अगर उन्हें इंतजार करना है, कब तक करना है? कैसे वो दहशत के साए से निकल के अपने काम को शुरू करें? अगर वाकई ये सुरक्षा एजेंसियां उन्हें भरोसा दिला पाए तब तो दुकानें शुरू होंगी, फिर से व्यापार फिर से शुरू होगा। अभी तो दुकानें बंद, व्यापार ठप, क्या होगा सर? देखिए, मैं आपको बताऊं, आप तो होके आई हैं जी। वहां पे 60,000 बच्चों ने कल इम्तहान दिया है। दुकानें 3 घंटा सुबह 3 घंटा शाम खुलने लगी थी। दुकानों के बाहर पटरियों पे दुकानें थी, वो पूरा टाइम 12 घंटा सामान बेचती थी।
पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी चल गया था, कोई अब नॉर्मेलिटी नहीं है, कहीं कर्फ्यू नहीं लगा, कर्फ्यू तो पहले दिन से नहीं लगा है, शोर मचा रखा है बाहर, हमने कहीं कर्फ्यू नहीं लगाया, हमने थोड़ी इतनी पाबंदी की थी कि जुमे के दिन थोड़ा मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड रहे ताकि पत्थरबाज जो लोग हैं वो पत्थरबाजी करके, उन्होंने तो हमारा ही नहीं एक ट्रक ड्राइवर मार दिया था पत्थरबाजी में, उसको कंट्रोल करने के लिए थोड़ी पाबंदी थी, अदरवाइज कोई पाबंदियां नहीं, तो शोर मचाया जा रहा सब शटडाउन ये वो, इतना बड़ा काम जिसको हम कहते हैं दुनिया कहती है 370 हट गया, एक चिड़िया नहीं मरी हमारी गोली से, हमने कहीं गोली नहीं चलाई, कहीं जाती नहीं की, और उस सिचुएशन को अवॉइड किया जिसमें गोली चलती है, वो हम अवॉइड इंटरनेट को रोक के ही कर पाए। खबरदार में अब हम आपको लद्दाख ले चलेंगे, जो 70 साल के लंबे इंतजार के बाद कश्मीरी सत्ता से आजादी का सपना साकार होते ही खुशी से झूम उठा। आज जम्मू कश्मीर से आजाद लद्दाख की पहली सुबह थी, जिसकी वजह से आज लद्दाख खुशी से झूम रहा था। आज तक संवाददाता पूजा शैली ने केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद पहले दिन लेह से ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है, जिसमें लेह की सड़कों पर झूमते नाचते गाते और अपनी आजादी का जश्न मनाते हुए लोग हैं और लद्दाख के सुनहरे भविष्य की उम्मीद है। ये लद्दाख में नई सुबह का स्वागत है, ये लद्दाख की आजादी का जश्न है, ये लद्दाख के आधिकारिक तौर पर केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद की पहली सुबह है। लेह की सड़कों पर लद्दाख के लोग खुशी से झूम रहे हैं। हो भी क्यों ना, आखिर उनकी दशकों पुरानी चाहत जो पूरी हुई है, लद्दाख के लोग आज अपने आप को आजाद महसूस कर रहे हैं। आज हमें ये आजादी मिली है, एक किस्म का आजादी मिली है, एक फ्रीडम फ्रॉम जेएनके। ये इस तरह हिस्टोरिकल मोमेंट, हिस्टोरिकल डे, आज टुडे इज द वेरी हिस्टोरिकल डे। 70 साल तक हम जम्मू कश्मीर स्टेट के साथ रहा है और आज हमारा जो लद्दाख रीजन है एक यूनियन टेरिटरी जो मरकजी सरकार के जेर इंतजाम इलाका हो गया, तो यहाँ के लोगों के लिए मैं समझता हूँ खुशी है, एक नई सूरज यहाँ इतिहास बनते हुए हम देख रहे हैं। लद्दाख में आज पहला दिन है, पहली नवंबर 2019 यूनियन टेरिटरी लद्दाख का। यहाँ लेह शहर में देखिए जहाँ तक आंख जा रही है सिर्फ लोग दिखाई दे रहे हैं, लोग यहाँ उमड़े हैं, ये भीड़ है, एक खुशी का माहौल है और ये दुगनी सेलिब्रेशन है क्योंकि यहाँ पे एक त्योहार मनाया जाता था, स्पालगाम दुस्तोन उसको बोलते हैं, वो हर साल मनाया जाता था लद्दाखी कल्चर को लेके, और आज फिर यूनियन टेरिटरी भी जब बनी है तो एक डबल सेलिब्रेशन यहाँ के लोगों के लिए। देखिए कहाँ कहाँ तक लोग उमड़े हैं ले शहर में। क्या ये सच है कि बहुत सालों से ये डिमांड था 1950 उससे पहले भी और आज फाइनल फुलफिल हुआ है? जी आप हमारा ये यूटी का डिमांड जो है काफ़ी सालों से अटका हुआ था, 70 साल से हम यही डिमांड करते आ रहे थे कि मतलब हमको यूटी मिले, तो आज हमारा सपना साकार हुआ। बहुत बड़ा दिन है सर आज ये जी, माना जी, कैसा आज फील कर रहे हैं सर आप? तो हमको ये लगता है कि अभी हमको आज़ादी पहली बार मिला है, आज़ादी मिली जी। नए लद्दाख की एकदम नई सुबह का दीदार करने के लिए विदेशी पर्यटक भी लेह पहुंच रहे हैं। ऐसे ही स्विट्जरलैंड से आया ये ग्रुप लद्दाख की संस्कृति और सेलिब्रेशन का गवाह बना है। लद्दाख की खूबसूरती, लद्दाख का कल्चर, लद्दाख के लोगों की सादगी, लेह की सड़कों पर मानो सारे रंग एक साथ जमीन पर उतर आए हों। Unbelievable culture, very colorful, beautiful, nice people, very friendly people, interesting food. Yes, it was a big surprise because our guide did not tell us anything about it, so we were very surprised and very happy to be part of this. वैसे लद्दाख में जश्न का ये माहौल गुरुवार को ही बनना शुरू हो गया था, जब लेह के उपराज्यपाल का शपथ ग्रहण कार्यक्रम खत्म होते ही लेह के मुख्य बाजार में लोगों ने सुबह से ही खुशी मनाना शुरू कर दिया था, जो पूरे दिन यूं ही जारी रहा। बहुत ही इमोशन यहाँ पर फील करे जा सकते हैं। मैं खुद देखिए लद्दाखी ड्रेस में यहाँ पे आप सबको झूले और वेलकम करते हुए, तो जो खुशी का माहौल है यहाँ मार्केट में, आइए कुछ लोगों से बात करते हैं। तो कैसा माहौल है अभी यहाँ पर, यहाँ पे किस तरह का मूड है? यहाँ पे बहुत अच्छा है।
हम सारे बहुत खुशी है, बस मोदी जी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। पूरा हिंदुस्तान, सारे हिंदुस्तान और लद्दाखियों के दिल से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए कि ज्यादा हमारा जितना डेवलपमेंट एजेंडा से है वो सारे पूरे हों और लद्दाखी कल्चर और हेरिटेज को प्रिजर्व किया जाए। जहां लेह में केंद्र शासित प्रदेश बनने का जश्न है, वहीं करगिल में इसको लेकर नाराजगी है। जहां कश्मीर केंद्रित नेताओं की तरह करगिल के नेता भी जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन का विरोध कर रहे हैं, जिसकी वजह से करगिल के मुख्य बाजार में लगातार दूसरे दिन भी दुकानें बंद रहीं। लेकिन करगिल के लोग शायद इतने नाराज नहीं, वो बस थोड़े आशंकित हैं कि कहीं उनके साथ कोई नाइंसाफी न हो। इस बात का अंदाजा हमें लेह में जश्न मनाने के लिए करगिल से आए कुछ लोगों के ग्रुप से बात करने के दौरान लगा। हम इक्वल शेयर चाहते हैं हर चीज में, जैसे कोई वीआईपी शीआईपी कोई प्रोग्राम होता है, ये सिर्फ लेह में होता है, करगिल में नहीं होता, तो यहाँ मतलब ये जाते हमें नहीं चाहिए। करगिल में इस वक्त बिल्कुल हड़ताल है, दुकानें बंद है, तो करगिल वाले यही चाहता है कि अगर यहाँ यूटी मिला है लद्दाख रीजन को, तो दो डिस्ट्रिक्ट है तो दो डिस्ट्रिक्ट को एक बार शेयर मिलना चाहिए। सेक्टर 6 महीना करगिल में रहा और 6 महीना ले में रहा है, हर लिहाज से, हर फंड्स हो, हर चाहे डायरेक्टर हो, वो इक्वल करगिल वालों को भी शेयर मिलना चाहिए। अब सरकार पे है, सरकार को लोगों को यहाँ सेफगार्ड रखना है, प्रोटेक्ट करना है उनके कल्चर को, उनके राइट्स को, वो अनाउंसमेंट सभी लोग चाहते हैं थोड़ी आए। और ले से नासिर अजीज खान और बाकी शो के साथ पूजा शाली। लद्दाख के लोगों ने जम्मू कश्मीर से अलग होकर नया राज्य बनाने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी है, क्योंकि लद्दाख के लोगों को हमेशा ये लगता था कि जम्मू कश्मीर में बैठी सरकार ने हमेशा लद्दाख के साथ नाइंसाफी की। यही वजह है कि लद्दाख के लोग इसे आजादी की तरह देख रहे हैं। लेकिन अब जब लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, तो वहां संभावनाओं के साथ साथ कई चुनौतियां भी हैं, जिनमें सबसे बड़ी चुनौती लद्दाख को विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ाने के साथ साथ लद्दाख की संस्कृति और परंपराओं को बचाए रखने की भी होगी। जहां एक तरफ लद्दाख के लोग खुद को आजाद हवा में सांस लेते महसूस कर रहे हैं, वहीं देश की राजधानी दिल्ली के लोग जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हैं। प्रदूषण के असर से दिल्ली की हवा इतनी जहरीली हो गई है कि अगर जिंदा रहने के लिए सांस लेना जरूरी ना होता तो दिल्ली वाले सांस लेना छोड़ देते, यानी दिल्ली वालों के लिए अब सांस लेना भी मजबूरी बन गया है। लेकिन हमें आपकी सेहत की परवाह है, इसलिए खबरदार में अब हम दिल्ली पर लागू हो चुकी हेल्थ इमरजेंसी का विश्लेषण करेंगे। अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो आजकल आपको सुबह शाम चारों तरफ धुआं धुआं सा लगता होगा, बिल्डिंगें धुंधली दिखाई पड़ती होंगी, आंखों में जलन और सीने में दर्द सा महसूस होता होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण अति गंभीर श्रेणी में प्रवेश कर चुका है। वैसे तो दिवाली के बाद से ही दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ना शुरू हो गया था, लेकिन शुक्रवार को दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के पार चला गया, जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक है। इसकी वजह से दुनिया भर के देशों में वायु प्रदूषण पर नजर रखने वाली संस्था एयर विजुअल ने दिल्ली को दुनिया का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर घोषित कर दिया। वैसे दिल्ली और आसपास के शहरों के लिए यह कोई नई बात नहीं है, हर साल दिवाली आती है और दिल्ली को गैस चैंबर में तब्दील करके जाती है। इसके बावजूद दिल्ली को प्रदूषण के इस प्रहार से निजात दिलाने का कोई परमानेंट इलाज नहीं किया जाता, हर बार केवल चालू इंतजाम होते हैं, जैसे इस बार भी कर दिए गए। दिल्ली में प्रदूषण की गंभीर स्थिति को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के एक पैनल ने दिल्ली एनसीआर में हेल्थ इमरजेंसी की घोषणा कर दी। हेल्थ इमरजेंसी के तहत अब दिल्ली एनसीआर में 5 नवंबर तक सभी तरह के निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। एनवायरमेंट पॉल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी यानी ईपीसीए ने प्रदूषण बढ़ने पर पूरी ठंड के दौरान पटाखे फोड़ने पर भी रोक लगा दी। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के सभी स्कूलों को 5 नवंबर तक बंद रखने की घोषणा की है और इस तरह प्रदूषण से निपटने के लिए जिम्मेदार सभी एजेंसियों ने अपने अपने कर्तव्य का पालन कर दिया है। अब इससे दिल्ली का प्रदूषण कितना कम होगा यह तो वक्त बताएगा, लेकिन दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते स्तर के साथ साथ इस पर हो रही राजनीति का स्तर कैसे गिरता जा रहा है ये आप अभी देख लीजिए। सांसें हमारे जीवन में उतनी ही जरूरी हैं जितना किसी गाड़ी में ईंधन। ईंधन खत्म तो गाड़ी बंद, और सांसें बंद तो जीवन खत्म। लेकिन इन दिनों दिल्ली में सांस लेना भी जान को जोखिम में डालने जैसा हो गया है, क्योंकि आजकल दिल्ली की हवाओं में जहर घुला है, इतना जहर जो आपको बीमार, बहुत बीमार बना सकता है।
ये आप देखिए, इस वक्त मैं बिल्कुल नई दिल्ली इलाके में खड़ा हूँ, तो यहाँ 450 से ऊपर जो है वो शो कर रही है, यानी कि बहुत जो है ख़राब स्थिति में है। और इस तरह की स्थिति जो है वो अब कई इलाकों से आ रही है, यानी आनंद विहार की बात करें, जहांगीरपुरी की बात करें, साउथ दिल्ली की बात करें, तो अब जो सिचुएशन है यानी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो अराउंड 450 के आसपास आ रहा है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक स्थिति है। सरकार तमाम उपाय कर रही है, कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा है। एक पुरानी कहावत है, मरे में दो लात और मारना। प्रदूषण के मामले में कुछ ऐसा ही दिल्ली के लोगों के साथ हर साल होता है। एक तो दिवाली पर पटाखों और आतिशबाजी, जिसकी वजह से दिल्ली की हवा में प्रदूषित कणों का स्तर खतरनाक तरीके से बढ़ गया है, और दूसरा पंजाब और हरियाणा के खेतों में जल रही पराली यानी धान के भूसे का जहरीला धुआं, जो सीधे दिल्ली पर धावा बोल रहा है। 27 अक्टूबर को पंजाब में पराली जलाने की 12,027 घटनाएं दर्ज की गईं। 30 अक्टूबर को यह आंकड़ा बढ़कर 19,869 हो गया। वहीं हरियाणा में 27 अक्टूबर को पराली जलाने की घटनाएं 3,735 थी, जो 30 अक्टूबर को बढ़कर 4,221 हो गईं। वायु प्रदूषण पर निगरानी रखने वाली संस्था सफर के मुताबिक दिल्ली के प्रदूषण में बुधवार को पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने का असर 35% के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया था। गुरुवार को पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने में योगदान 27% रहा, जो शुक्रवार को करीब 25% रहा। पराली जलाने की घटनाएं दिल्ली की हवा को जहरीला बना रही हैं और इसका असर दिल्ली वालों की सेहत के साथ साथ सियासत पर भी पड़ रहा है। एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एंड पार्टी है, जो स्कूल में मास्क बांटते हुए बच्चों को ये भी बता रही है कि दिल्ली का ये प्रदूषण उनके पड़ोसियों की वजह से फैल रहा है, तो दूसरी ओर बीजेपी के नेता हैं, जो इतने प्रदूषण के बीच मुख्यमंत्री आवास पर धरना दे रहे हैं ताकि वो ये बता सकें कि प्रदूषण के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो सिर्फ केजरीवाल सरकार है। हमने तो काफ़ी कोशिश की है, आप लोग भी देख रहे हो कि पराली का जो वो है वो कम होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है। इस बार नंबर ऑफ फायर्स जो थे वो डबल हुए हैं, तो कुछ तो करना पड़ेगा, आसपास की सरकारों को कुछ तो करना पड़ेगा। मैंने चिट्ठियां लिखी हैं, हमारे मंत्रियों ने भी उनको चिट्ठियां लिखी हैं। पिछले साल मैं मिलने भी गया था, आपने देखा था, कैप्टन साहब ने मिलने से मना कर दिया था, लेकिन खट्टर साहब से मैं मिला भी था, उन्होंने मुझे आश्वासन भी दिया था कि अगले साल तक बंद हो जाएगा, लेकिन इस बार तो और ज्यादा। हरियाणा पंजाब में पराली जलने से सफर और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट्स हैं कि 4-10% तक ही प्रदूषण होता है, तो जाहिर तौर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि 5 साल उन्होंने प्रदूषण पे कुछ काम नहीं किया है और इसीलिए अब वो ऑड इवन की भी बात कर रहे हैं। कुल मिलाकर प्रदूषण से निपटने के नाम पर अगर कुछ हो रहा है तो फौरी इंतजाम और एक दूसरे पर आरोप मढ़ने की प्रदूषित पॉलिटिक्स, लेकिन पराली जलाने से रोकने की नीति होने के बावजूद उस नीति को लागू करने की नीयत किसी राजनीतिक दल में दिख नहीं रही। सारा दोष उन किसानों पर मढ़ा जा रहा है जिनके पास पराली जलाने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं। हमारा ये कहना है, या तो सरकार इनको यंत्र दे दे इस पराली को ठिकाने लगाने के लिए, वरना तो सरकार से हमने चाहे इंसेंट बजानी पड़े, चाहे जेलों में जाना पड़े, चाहे फांसी में चढ़ना पड़े, कोई भी कुर्बानी देंगे हम, नहीं तो फिर ये काम हमने करना ही पड़ेगा, क्योंकि फसल तो बीजनी ही है। हम चाहते हैं सरकार की तरफ से 10,000 रुपये प्रति एकड़ अलग से दिए जाए। कोई भी किसान हरियाणा में हम लिख के देते हैं पराली नहीं जलाएगा, या फिर जीरी का भाव 5,000 रुपये कर दिया जाए ताकि किसान की जेब में पैसे हो और पैसे से वह इस पराली का अपना समाधान करे। कुल मिलाकर पंजाब हरियाणा में पराली भी खूब जल रही है, दिल्ली और आसपास के शहरों में प्रदूषण भी खूब बढ़ रहा है, आम जनता बीमार पड़ रही है, लेकिन सियासत पर प्रदूषण का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। दिल्ली में भले ही सब कुछ धुंधला धुंधला सा नजर आ रहा हो, लेकिन सियासत खूब चमक रही है। दिल्ली से ईशा गुप्ता और चिराग गोठी के साथ आज तक ब्यूरो। वैसे दिल्ली में प्रदूषण की इकलौती वजह पराली का जलना नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो दिल्ली की हवा बाकी वक्त तो सांस लेने के लायक रहती, लेकिन ऐसा है नहीं। तो सवाल यह है कि आखिर दिल्ली में साल के 12 महीने प्रदूषण फैलाने के लिए कौन कितना जिम्मेदार है। इसे लेकर IIT कानपुर में ने 2016 में एक स्टडी की थी। इस स्टडी में बताया गया था कि दिल्ली की जानलेवा हवा में जहर घुलने के लिए कौन कितना बड़ा गुनहगार है। दिल्ली में 31% वायु प्रदूषण कंस्ट्रक्शन साइट्स पर उड़ने वाली धूल की वजह से फैलता है। 25% वायु प्रदूषण गाड़ियों से निकलने वाले जहरीले धुएं की वजह से होता है।
15% वायु प्रदूषण पावर प्लांट्स और उद्योगों की वजह से होता है, 16% वायु प्रदूषण डीजल और जनरेटर से और 13% वायु प्रदूषण घरों में जलने वाले ईंधन से फैलता है।